तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। एंड स्टार्टिंग एक बहुत शॉर्ट से एक हम्बल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देख ही रहे हो तो प्लीज़ आज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड चलिए अपने आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करने वाले घातक, मेजी, स्पीड, इन सब के बारे में। एंड जो ओवर रेटेड एंड अंडर रेटेड वाली जो मैटर चल रहा है उसके बारे में अपन बात करने वाले। तो जैसा कि हमको पता है कि लैंड पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती, सब अपना ओपिनियन देते रहते किसी न किसी टॉपिक पर। एंड वहीं पर एक चीज़ चल रही थी जहाँ पर ओशन एंड गॉडल के मेंबर्स बैठे हुए थे। एंड वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके अकॉर्डिंग ओवर रेटेड कास्टर कौन सा है। वहाँ पर घातक अपने ओपिनियन देते हुए कहते हैं कि मेजी एंड स्पीरो उनके अकॉर्डिंग ओवररेटेड कास्टर्स है। एंड इस पर उन्होंने और जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो हिंदी का वो शुद्ध हिंदी यूज करते हैं बट जो ओपिनियंस वो थोड़े ज्यादा दे देते हैं वो शायद दिक्कत हो सकती है। दैट इज व्हाट आई मीन। बस बात कर रही है, सुनो हमारा काम है गेम खेलना, हम गेम खेलते हैं बरोबर। कास्टर का काम है गेम के ऊपर कास्टिंग करना, तो ओपिनियन की क्या बात आ जाती है इसमें, ओपिनियन क्यों देना है? मैं मेजी को कॉल करता हूं अभी। एंड फिर जब स्पीरो लाइव आए थे तो इसी पूरे मैटर के ऊपर बात कर रहे थे। एंड इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेजी की स्टोरी देखूं क्या है? मैं खुद देख लेता हूँ यार, आपको नहीं दिखाता, आप लोगों तो देख लिया। मेजी बहुत बढ़िया बंदा है यार, तुम लोगों को लगता है कि बोले एक के लिए ओवररेटेड, एक के लिए अंडररेटेड, है ना? सबका अपना ओपिनियन होता है ज़िंदगी में यार। मुझे अच्छा लगता है कोई फीडबैक देता है तो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आई लाइक इट। हाँ वही ना, घातक भाई ने अपने शैडो को भी ओवररेटेड बोला, इसमें क्या लोड लेना? इसमें तो इट्स शुड बी अ पॉजिटिव थिंग यार दैट दे केयर अबाउट अस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बड़ा भाई है या तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हें कह रहे हैं कि भाई तू अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो इस वे में थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हें हेट मिले, वो इस वे में कह रहे हैं ना कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कर रहा है बट तू और अच्छा कर सकता है, तो इसमें गलत क्या होता है यार? सब अच्छे हैं ना यार। उन्होंने शैडो को भी बोला, अब वो एज ए बड़े भाई अपने प्लेयर को बोल रहे हैं कि ओवर रेटेड है, वो अच्छा और कर सकता है। मुझे भी लगता है शैडो और अच्छा कर सकता है, एंड आई थिंक शैडो इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। मैं जब भी उससे बात करता हूँ बहुत अच्छी तरह बात करता है एंड ऑल। तो या भाई, विदाउट कंट्रोल करके भी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। बहुत बार आप जानबूझकर सारी चीज़ें करते हो, आई एम नॉट गॉडल फैन, बट छोटा बच्चा भी बोलेगा आप गॉडल को जानबूझ के पॉक करते हो। ऐसा कोई बात नहीं है यार, मैं तो सबकी तारीफ करता हूँ, सबकी अंदर पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ यार। आई ऑलवेज सी द गुड इन एवरीवन यार। और मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा किसी ने एस पावर की तारीफ करी है रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। एंड फिर मेजी ने इसका रिगार्डिंग स्टोरी लगाते हुए लिखा था, किसी के लिए ओवररेटेड, किसी के लिए अंडररेटेड। एंड मेजी जब लाइव आए थे तो वो इस वाले टॉपिक के ऊपर तो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जो ओवरऑल टॉपिक था, मतलब उनकी जो पास में कंट्रोवर्सीज हुई है, जो मैटर्स हुए सोल, टीएक्स एंड गॉडल के साथ, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। एंड इस पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते। देखो जितने भी चैट सेक्शन में स्पैम कर रहे हो, तुमको भी पता है मुझे भी पता है, मेरे को झांटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये पहली बार नहीं है, ठीक है? 2018 से लेके अभी तक के 5 साल के मेरे जितने भी स्ट्रीम्स किए हैं, चीज़ें की हैं, ये पहली बार नहीं है, ठीक है? हर एक ऑर्ग ने मेरे को ब्लॉक किया है, ठीक है? चाहे वो एसटीएल की ऑर्ग हो, चाहे वो गॉडलाइक की ऑर्ग हो, चाहे वो टीएक्स की ऑर्ग हो, कोई सा भी ऑर्ग हो, सब ने मेरे को ब्लॉक किया है, मेरे को सच में फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक और चीज़ मैं जैसे उस दिन तुम लोगों को बोला था जब तुम लोग स्पैम कर रहे थे किसी और का नाम, तब भी मैंने उस टाइम बोला था मेरे ओपिनियन से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके ओपिनियन से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उनके ओपिनियन देने के बाद मैं अपना ओपिनियन दूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बस मैंने उस दिन भी यही बोला था, मैं आज भी यही बोलूंगा कि मैं ओपिनियन देता हूं, आपको बुरा नहीं लगता, आप ओपिनियन दे रहे हो मुझे बुरा नहीं लग रहा, बट फिर मैं आपके ओपिनियन के बाद अपना ओपिनियन दूं तो सर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? दैट्स ऑल, बस इतना ही मेरा कहना है। मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, बाकी चैट में आपको स्पैम करता है आप करते रहो, ठीक है? जब तक ऑफिशियल को लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ऑफिशियल डेस्क पे रहने का, तब तक के लिए अपनी गांड लगा लो, ऑफिशियल कास्टिंग मैं करता रहूंगा। एंड कल उनकी चैट में मायावी से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा स्पैम हो रहा था, टीम मायावी से रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा स्पैम हो रहा था। इसमें जो मेजी वो ट्रिगर हो गए थे, उन्होंने थोड़े अब्यूज भी कर दिया था स्ट्रीम के ऊपर। एंड इसी के लिए उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मतलब उन्होंने गाली वाली दी जो उनको नहीं देनी चाहिए थी। एंड पूरा कम्युनिटी पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्नैक्स के बारे में। तो स्नैक्स ने बताया कि उनके बीजेएस ग्रैंड के मैचेस कब है। एंड इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
जस्ट यार अपना एक शेड्यूल प्लान कर रहा था दो दिन के आगे का, क्यों कर रहा हूँ बोलते, बिकॉज मेरा 11 तारीख को मैच है बीजीएस का, फाइनली अपना शेड्यूल आ गया, 11 तारीख को फ्राइडे को मैच है मेरा बीजीएस का नेक्स्ट राउंड, फिंगर्स क्रॉस होपफुली क्वालिफाई हो जाए, तो स्ट्रीम सुबह शायद ना हो पाए, तो बस आपको अपडेट दे रहा हूँ कि दो दिन आपके लिए कुछ कंटेंट प्लान करा, एक तो बीजीएस का पीओवी आने वाला है राउंड वन का, एंड अपन वापस अब बात करने वाले एक और अंडर रेटेड और ओवर रेटेड वाले टॉपिक के ऊपर। बेसिकली अभी कम्युनिटी में ना यही चल रहा है, मतलब कल के दिन पूरे दिन यही हुआ है, अब अलग अलग फील्ड में हुआ है लेकिन टॉपिक यही था। एंड लाइन की लोकेशन पे जो अभी है वो इंस्टा लाइव कर रहे थे, वहाँ पर सारे प्लेयर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि उनके अकॉर्डिंग ओवररेटेड आईजीएल एंड ओवररेटेड असॉल्टर कौन है, तो इस पे पर सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे एंड उनके ओपिनियंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड आपको क्या लगता है कि इसका ओपिनियन सही था, एंड आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हैकिंग वाले मैटर के ऊपर, तो हैदराबाद हाइड्रास के जो जोकर जब वो लाइव आए थे तो बेसिकली बात करते इस पूरे हैकिंग वाले मैटर के ऊपर, एंड टीम मायावी के ऊपर उन्होंने ओपिनियन देते हुए कहा कि जो क्लिप्स है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, लेकिन अभी अपन कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। उनका बेसिकली कहना यह था कि जो ऑफिशियल्स है उनको इस मैटर के ऊपर देखना चाहिए, लेकिन दिक्कत यही कि जो ऑफिशियल्स है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एंड पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता टीम मायावी हैकर है या नहीं, क्लिप्स सस्पिशियस है ये तो फॉर श्योर है, लेकिन अब वो हैकर है या नहीं पता नहीं, और अगर वो है तो प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऑफिशियल्स की तरफ से, क्योंकि दिक्कत पता है क्या है कि जो एचटी के प्लेयर्स डिस्क्वालीफाई हुए थे उसमें मतलब ऑलमोस्ट पूरा प्रूफ सामने थे, प्लेयर्स ने एडमिट कर लिया था कि हम हैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी टीम को रिंगिंग वाले मैटर के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया था, हैकिंग का कहीं पर जिक्र ही नहीं था। एंड वापस यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि बात मैं पर्टिकुलर टीम मायावी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो हैक कर रहे हैं या नहीं। एंड वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, तो जोकर इसी बारे में बात कर रहे थे, वो बता रहे थे हैकिंग के वजह से बीजीएमआई का सीन क्या हो सकता है आगे चल के, एंड इसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट्स एंड बाकी 4 में 90 पॉइंट्स भाई, पता है सीन क्या, कल मैं और अल्ट्रॉन इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि रात में ना हम लोगों का एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था इस चीज़ को लेकर कि भाई आने वाले 7-8 महीने में कम्युनिटी कैसी हो जाएगी, 7-8 तो नहीं मान के 1.5-2 साल के अंदर कम्युनिटी कैसी हो जाएगी, ये काइंड ऑफ जो काइंड ऑफ प्लेयर्स अभी हैं जितने खेल रहे हैं, अब आधे से ज़्यादा में तो पता भी नहीं है, लाइक अब जो लोग बूट कैंप पे नहीं है उनका नहीं पता है, ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं बोल रहा सारे हैकर यार, ऑब्वियसली बात है लाइक बहुत सारे लोग ग्राइंड भी करते हैं, बट हमारा मेन डिस्कशन इसी चीज़ के ऊपर हो रहा था कि लाइक जो बूट कैंप पे रहते हैं तो चलो ठीक है वो बूट कैंप पे बूट कैंप वाले डिवाइसेज होते हैं दिखता है वगैरह वगैरह, अब कोई इंसान घर से खेल रहा है तो हैक्स भी ऐसे पता भी नहीं चलता भैन जो कौन हैक कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है ये चीज़, तो उससे काइंड ऑफ ना मन खराब होता है। अब जैसे कल था, कल इसको तो अल्ट्रॉन को तो नींद नहीं आई, ये जो सीन हुआ ये सोया ही बहुत लेट, इसके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि भाई हम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स के अंदर, अंडरडॉग्स के साथ हर बार स्कैम होता है, ग्राइंड के साथ इतने हैकर, अरे यार गरुड़ा भाई आप कुछ सोचो ना, आप मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लगाता हूँ, ठीक है, अंडरडॉग्स को एक बार साइड में रखते हैं, ठीक है, मैं हो गया या ऑल द प्लेयर्स हुआ स्टिल स्ट्रगलिंग इन द कम्युनिटी, ऑल द भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैं मेरे को उस कैटेगरी में नहीं डालूंगा बिकॉज आई एम इन ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ अभी, एटलीस्ट मैं एक ऑर्ग में हूँ, पर बाकी जो प्लेयर्स हैं जो T1 जिनके आगे लगा हुआ है कि हाँ ये T1 प्लेयर हैं, जो अभी भी घिस रहे हैं एंड कर रहे हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ना उनके हिसाब से सोचो तुम कि जो वो लोग तो गेम में इतना कर लिए, इतना अच्छा खेलते भी हैं, इतना अच्छा करते भी है, एंड उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा, यू नो लेब्रॉन है, अब एक्सो की लाइनअप से खेल रहा था लेब्रॉन, आई एम लेब्रॉन इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ओके लेब्रॉन इनके साथ खेला था, प्रधान वगैरह के साथ खेला था शायद जितना मेरे को याद है, इनकी लाइनअप बहुत अच्छी थी, लिटरल बोल रहा हूँ बहुत अच्छी लाइनअप थी, प्रधान लेब्रॉन ये लोग थे, ये लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बीबी के नीचे वाले स्लॉट पे ये लोग थे, और इनको भी शायद सेकंड या लास्ट मैच में शायद इन्होंने मारा था एसटी वालों ने, तो उसके हिसाब से अगर सोच के देखा जाए तो भाई उस बंदे ने पूरे बैन के अंदर घिसा है, ठीक है, पहली बात तो उसकी टीम का फकअप हुआ, जिस टीम के साथ वो खेलता था उस टीम का फकअप हुआ, उसने एक अच्छी टीम बनाई उनके साथ अच्छा खेल रहा था, एंड देन बीजीएस के अंदर भी फकअप हो गया। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्डी भाई के बारे में, तो गोल्डी भाई कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से खुश नहीं थे, बेसिकली उन्होंने बताया कि बहुत लोग सेट को ओवररेटेड मैनेजर बोलते रहते, कुछ लोग स्काउट को बोलते रहते, बेसिकली ऐसा उनका एक पर्टिकुलर चैट आया था उसके बारे में वो बात कर रहे थे, एंड फिर उन्होंने बताया था कि ओशन ने एक अपने व्लॉग में आदित्य से TX की सैलरी के बारे में पूछा था कि सैलरी टाइम से मिल रही है या नहीं, बेसिकली इसके बारे में वो बात कर रहे थे, एंड उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Some of them are trying to make controversy by making Vlog is most overrated player, scout and overrated managership. Fine guys, it's fine. BGMI आया है दो साल बाद, एक साल बाद,
लोगों के दुकानें बंद पड़ी थी, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, समझो, करेंगे नहीं जब तक मसाला नहीं डालेंगे, उनको भी नहीं आएगा ना व्यूज, पूछने दो, कोई सोल को ओवररेटेड बोलेगा, कोई गॉड लाइक को ओवररेटेड बोलेगा। मैंने इस लैंड में एक बात तो सीख ली कि कितना भी राइवलरी हो, थिंग्स विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड दीज टू नेम्स ओनली, नोबडी वॉन्ट्स टू स्टेप अप देयर ओन गेम, बट आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिवॉल्व अराउंड ऑल दीज टू नेम्स ओनली, चाहे वो जैसे आपने बोला पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सी, इट्स नॉट कॉन्ट्रोवर्सी यार, आप किसी सोल के जानने वाले से पूछोगे, प्यार करने वाले से, वो गॉड लाइक को ओवररेटेड बोल देगा, और गॉड लाइक के जानने वाले से पूछोगे सोल को ओवररेटेड बोलेगा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं। आई थिंक सो यू गाइस शुड बी वरीड अबाउट सो मच, चलो यही चाहता हूँ बच्चों के रिप्लाई मिले, बच्चों रिप्लाई का प्रैक्टिकल बात है ना यार, गॉड लाइक फैंस, गॉड लाइक फैंस की बात नहीं, गॉड लाइक का एक चंक ऑफ फ्रेंड्स है, तो उनका एक चंक ऑफ फ्रेंड्स है, वो आपस में जो भी ऐसा सवाल पूछ रहा है, पहली बात तो मुझे पता नहीं किसने पूछा है, पीछे भी मैंने एक ब्लॉगर है उसका मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मेरे को उससे बात भी करनी है, उसने भी कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछा था एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, हाँ कि सैलरी टाइम पे मिल जाती है नहीं, तो तब मेरे को थोड़ा गुस्सा तो आया था, मेरी तबियत खराब थी, मैं उसको बताता कि सैलरी टाइम पे मिलती है नहीं, स्काउट के प्लेयर से उसने पूछा था, तो तब मैं बताता उसको कि सैलरी टाइम पे मिलती है नहीं, बट वो जो हो रहा है ना कि कुछ भी कर रहे हैं कॉन्टेंट के नाम पर, वो थोड़ा सा लॉन होना चाहिए, एंड आई थिंक ना इतना घातक कॉन्टेंट को फर्क पड़ता ना मुझे तक को फर्क पड़ता। ओशन 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 की तो ओशन अपना बच्चा है यार, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैं कान पकड़ के भी समझा दूंगा, बट ये ओवररेटेड फोररेटेड ये सब, उनको पता है दो ही नाम आने हैं, दो नाम आने हैं, वो फिर थंबनेल में टाइटल में लग जाने हैं, इजी। एंड बस यार अपने आज की वीडियो को ही खत्म करते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।